हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लांट्स लवर। तो आज हम बात करेंगे पोटाश के बारे में। पोटाश एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो प्लांट्स पर देने पर प्लांट्स में अच्छी फ्रूटिंग होती है, अच्छे फ्लावर्स आते हैं, पर कई बार इसकी मात्रा हम बिना सोचे समझे दे देते हैं और हमारे प्लांट्स को इसकी रिक्वायर्ड हुए भी कि नहीं ये जाने बिना हम इस पोटाश को दे देते हैं। कई बार हम ऐसे कुछ फर्टिलाइज़र्स प्लांट को दे देते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी भी नहीं होती है और प्लांट ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले हमें प्लांट की कंडीशन को जानना चाहिए कि इस प्लांट को किस तरह के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। कई बार हम प्लांट्स को बहुत अच्छे से केयर करते हैं, उसे फर्टिलाइज़र करते हैं, उसकी केयर करते हैं, लेकिन फिर भी वो ख़राब हो जाता है। तो उसका मेन कारण होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़ करना। तो पोटाश हमें कब देना चाहिए, इसके दो कारण होते हैं। पोटाश देने का मेन रीज़न होता है जब आपके प्लांट की पत्तियां सुखड़ रही है, फल प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, फूल प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, तब आपने इसे पोटाश देना है। कितना देना है वो भी हम आगे जानेंगे और किस तरह के प्लांट्स में ये दिया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपका प्लांट हेल्दी है और उसे किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, तब उस टाइम पर आप कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को ना दें, क्योंकि वो ऑलरेडी हेल्दी है तो उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कोई फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं उसे बढ़ाने के लिए, तो आप काऊ डंग का कंपोस्ट दे सकते हैं, कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लेकिन कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र देकर प्लांट को ख़राब ना करें। तो चलिए जानते हैं कि हमें पोटाश प्लांट को कब देना है और कब उसे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। तो अगर आपका प्लांट बहुत अनहेल्दी लग रहा है, उसकी पत्तियां ख़राब हो रही है, पत्तियों का साइज़ प्रॉपर नहीं आ रहा है और काफ़ी टाइम हो गया आपको पौधे को लगाए हुए लेकिन फिर भी उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो उस टाइम पर आपने पोटाश प्लांट को देना है या कोई NPK फर्टिलाइज़र, कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र आप प्लांट को दे सकते हैं। जिस तरह से आप मेरा ये प्लांट देख रहे हैं, इस पे पत्तियों पे डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं, तो ये ओवर वाटरिंग की वजह से भी होता है, बहुत ज़्यादा सनलाइट की वजह से भी होता है और कभी कभी प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती है उसकी वजह से भी होता है। तो जब भी आपको पोटाश देना है तो पहले गमले की अच्छे से मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए। 1 से 2 इंच तक की आप गुड़ाई करके इस पोटाश को अपने प्लांट को दे सकते हैं। जब प्लांट की पत्तियां बड़ी नहीं हो रही है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फ्रूटिंग नहीं हो रही है, तो मेरा ये प्लांट भी इन सब प्लांट्स के साथ ही रहता है, लेकिन इसमें मैं पोटाश देती रहती हूँ इसलिए इसकी लीव्स ग्रीन है और इसे प्रॉपर सनलाइट मिलती है इसलिए ये हेल्दी नज़र आ रहा है। तो प्लांट्स में कई बार बहुत सारे खरपतवार वगैरह होती हैं, पत्तियाँ ख़राब होती हैं, डैमेज होती है, तो आप पोटाश दे सकते हैं। पोटाश जैसे सीजनल फ्लावर्स प्लांट जो होते हैं, सीजनल फ्रूटिंग प्लांट्स जो होते हैं, उनमें आप सीजन के टाइम पर दे सकते हैं, लेकिन जो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, कुछ परमानेंट फ्रूटिंग प्लांट्स होते हैं, उनमें आप हर 2 से 3 महीने के अंदर पोटाश, NPK या काऊ डंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे करके अपने प्लांट को हेल्दी रख सकते हैं। प्लांट की कंडीशन को जानिए, उसको देखिए, उसके बाद ही उसमें किसी तरह का कोई केमिकल फर्टिलाइज़र दीजिए। काऊ डंग का जो फर्टिलाइज़र होता है वो हम सभी प्लांट्स को दे सकते हैं, आउटडोर प्लांट्स के लिए वो काफ़ी अच्छा होता है और उससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन उसे भी अगर आप ज़्यादा मात्रा में देते हैं तो वो ख़राब हो सकता है, प्लांट को जला सकता है। तो जैसे 6 इंच का अगर आपका पॉट है तो उसमें आपको 1 चम्मच DAP या आधी चम्मच NPK, 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट देना पर्याप्त होता है। उसी तरह से अगर आपका पॉट बड़ा है और उसका साइज़ 8 से 12 इंच का है, तो उसमें आप 2 चम्मच पोटाश, 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट और 1 चम्मच NPK पाउडर घोलकर दे सकते हैं। प्लांट इससे आपका हेल्दी बना रहेगा, लेकिन प्लांट अगर हेल्दी है तो उसे कुछ ना दें। तो आज मैं आपको बताती हूँ ये जो मेरे प्लांट्स आपने देखे कितने अनहेल्दी थे, और अब इन्हीं प्लांट्स को आप देखिए कितने ज़्यादा जल्दी ये बड़े हो गए हैं और कितनी सुंदर इसमें फ्लावरिंग हुई है। पत्तियाँ भी आप देखिए बिल्कुल शाइनी ग्रीन आपको नज़र आ रही हैं। तो अगर आप कोई भी फर्टिलाइज़र प्लांट को देते हैं, सही समय पर दीजिए, जांच कर दीजिए, प्लांट को उसकी ज़रूरत है तो ही दीजिए, तो आपकी गार्डनिंग बहुत इजी बनी रहेगी और आपको प्लांट की टेंशन नहीं होगी कि प्लांट ख़राब हो रहा है, फर्टिलाइज़ कर रहे हैं उसके बाद भी।
ये हमारे चंपा की वही प्लांट्स हैं जिनको हमने पोटाश दिया था, और हर 2 से 3 महीने के अंदर हमने इसे पोटाश दिया और 6 मंथ के अंदर इनकी हैवी ग्रोथ पर हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डन।